मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पैतृक गांव जैत पहुंचे। सीएम शिवराज जी ने नर्मदा पूजन किया, हनुमान मंदिर में भी पूजा की। नामांकन से पहले शिवराज विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद लाडली बहनाओं से नामांकन दाखिल करवाएंगे, तो नामांकन पत्र दाखिल करते समय बड़ी संख्या में शामिल होंगी लाडली बहनें। दोपहर 2 बजे वो भरेंगे नामांकन पत्र। बिल्कुल सर, लेकिन आज की ये जो तस्वीर है वो बेहद रोचक भी होगी, बेहद दिलचस्प भी होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी दिग्गजों को हमने देखा है सर, वो अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एक अलग ही अंदाज, एक अलग छवि के लिए मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं, और आज भी एक अलग रूप उनका नजर आएगा अंदाज, क्योंकि लाडली बहनों के बीच वो मौजूद रहेंगे। लाडली बहनें आज उनका नामांकन दाखिल करवाएंगी, और फिलहाल ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अपने पैतृक गाँव पहुंचे थे परिवार के साथ, यहां पर पूजा अर्चना की, नर्मदा माई का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद दोपहर 2 बजे का शरद जी समय बताया जा रहा है जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। लेकिन बुधनी की ये सीट बेहद रोचक और महत्वपूर्ण ये है सर, बुधनी की सीट पर एक रोचक चीज ये भी है जो मैंने नोटिस की और आपने तो की होगी सर, बिल्कुल नेता अभिनेता संत तीनों एक पंक्ति में लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल आपने सही कहा, मिर्ची बाबा हैं वहाँ से, अभिनेता जिन्होंने हनुमान का किरदार एक धारावाहिक में निभाया, कई फिल्में की हैं, विक्रम मत्ताल वो वहाँ मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर चुनावी रण को रोचक बनाने की काफ़ी कोशिशें की गई हैं। तो दोपहर 2 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और वो सीहोर में होना चाहिए नामांकन पत्र दाखिल उनका, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। ये तीन तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले अपने पैतृक घर में पूजा अर्चना, साथ में है उनकी जीवन संगिनी श्रीमती साधना सिंह चौहान। दूसरी तस्वीर उस माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की, जहाँ बचपन उनका परवान चढ़ा और यहीं वो तैरते थे देर तक बचपन में अपने मित्रों के साथ, और यहीं से जब भी प्रण किया होगा तो यही किया होगा कि माँ मुझे शक्ति दें, मैं आगे बढ़ सकूं, सार्वजनिक जीवन की जो चुनौतीपूर्ण राह मैंने चुनी है। और पास ही खड़े हैं उनके पुत्र कार्तिकेय, जो बुधनी में एक तरह से तमाम चुनावी व्यवस्थाओं के संचालन को नज़दीक से देखते हैं। और तीसरी तस्वीर है माँ बिजासन देवी जो हैं सलकनपुर की, ये कुल देवी भी मानी जाती हैं शिवराज जी के कुटुंब की, परिवार की, तो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, भावनात्मक क्षण हैं, और न जाने बचपन से ही उनके मन में ये तीनों प्रतीक अंकित होंगे जिन मंदिरों में वो जाते होंगे, नर्मदा माँ की पूजा और फिर सलकनपुर आना। यहाँ भी पूरा परिवार उनके साथ रहता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और कांग्रेस से जुड़े हैं प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, छत्तीसगढ़ से KS चौहान साहब और सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय। बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर वाजपेयी, एक परंपरा है सनातन की, और मज़हब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जो भी आस्तिक है, जो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता है, वो कोई भी शुभ कार्य या ऐसा कार्य जिसमें उसको उसके मन की बड़ी गहरी जिज्ञासा होती है कि इसमें वो स्वयं ही सफल ना हो, वो जिस पार्टी का या जिस कुटुंब के साथ उस कार्य के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको भी सफलता हासिल हो, तो किस तरह से आप देखते हैं आज शिवराज जी नर्मदा पूजन मंदिर में जाना और फिर सलकनपुर? जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं तो समस्त 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबको आज शुभकामनाएं दूंगा, मेरी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव है भाई, तो आपस में मत लड़िए, चुनाव लड़िए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने लिए मत लड़िए, जनता के लिए लड़िए। तो ये कुछ बातें हैं जो साहब, ये बहुत खूबसूरत समय है, अच्छा समय है, हमारे आने वाले भविष्य को तय करने वाला समय है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोगों की नोकझोंक तो अपनी जगह है, उसमें से आप तत्व ज्ञान ले लीजिए अपने काम का, और वोटिंग जरूर करिए।
और एक और संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ से बहुत वरिष्ठ लोगों का दल नेताओं का चुनाव आयोग से भी मिला है, चूँकि आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा शरद जी कि चुनाव के इस उत्सव में जनता को भाग लेने दीजिए। वो यदि अपने घर पर किसी प्रकार का ध्वज या कुछ लगाता है किसी भी दल का, तो मैंने देखा है कि अब इस चुनाव में कई जो नए सरकारी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो एकदम से थोड़े आक्रोशित आक्रामक हो गए हैं। तो भाई संपत्ति विरूपण अधिनियम किसी की इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर चिन्ह लगाने से मना करने का है, लेकिन लोग यदि स्वेच्छा से लगा रहे हैं, उसमें भागीदार होते हैं, तो ये जनता के लिए चुनाव हो रहा है। यदि जनता को परेशानी है, फिर मैं शरद जी बहुत ध्यान से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपील कर रहा हूँ, ईसीआई से भी और शासकीय अमले से भी, माननीय भूपेन जी और अश्विनी जी इस बात को रखकर आए हैं, पर कांग्रेस को भी इस बात को ईसीआई को कहना चाहिए, सभी दलों को, कि आप लोगों को डराइए मत, धमकाइए मत, लोगों को इसमें भाग लेने दीजिए। हमारा एक अनुरोध ये भी है कि आप लोग एक दूसरे की शिकायत करने जिस तत्परता से चुनाव आयोग पहुंचते हैं, ऐसे मसलों पर भी एक, बल्कि मैं तो कहूंगा जो बात आपने खूबसूरत बात आपने कही कि लड़ें हम जनता के हितों के लिए, आप दोनों का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाए और ईसीआई से इसको लेकर डायरेक्टिव्स लेकर आए। और एक बात और शरद जी, जी आप भी इस बात को रखिएगा, क्योंकि साहब आपकी आवाज बहुत बुलंद और अच्छी आवाज है जिसको लोग सुनते हैं, कि शासकीय अमला लोगों को सुरक्षित रखने के लिए है। सड़क पर आप चेकिंग ऐसे करिए कि आम लोग परेशान नहीं हो, मतलब कई बार क्या बच्चे बैठे हाँ साहब, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एकदम इसको हवा ना बनाया जाए। हम इस पे कोशिश हम भी करेंगे हाँ, कि क्लैरिटी मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से ले सकें कि संपत्ति विरूपण अधिनियम हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल का उसका समर्थक है तो पोस्टर या बैनर अपने घर पे लगाता है तो डज इट कम्स अंडर द पेरिफेरी ऑफ संपत्ति विरूपण अधिनियम, उसका उल्लंघन हो रहा है, आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। इसी प्रकार सड़क पर आप देखेंगे जो अमला खड़ा होता है शासकीय, वो आम लोगों को परेशान ना करे, भीड़ ना लगाए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए इंदौर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हम, क्योंकि आज दोनों ही दिग्गज निकले हुए हैं चुनावी समर के लिए। इधर आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, और दूसरी तरफ इंदौर में रोड शो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जहां आप देख रहे हैं ध्वज लहराते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के लिए निकले हुए हैं सड़कों पर। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भावपूर्ण मुद्रा सलकनपुर की बिजासन माता के समक्ष, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी का ये रोड शो है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले, पूजा अर्चन करने के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर बाकी ये खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा है शिवराज जी। अपनी जन्मभूमि से नर्मदा मैया की कुल देवता की माई की पूजा करके, और बचपन से विजयसन मैया हमारी श्रद्धा आस्था और विश्वास का केंद्र है, इनकी कृपा सदैव सब पर बरसती है, तो उनके चरणों में प्रणाम करके पूजा करके फार्म भर रहा हूँ। तीन चीज़ें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, हमारे देश का जिस ढंग से विकास हो रहा है अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा देश दुनिया को दिशा दिखाएगा, कई मामलों में दिखा रहा है, यह हमारा विश्वास है।